इसे समान जाकर नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल नंबर 13 ऑफ पीएससी नेम लाइज रेडिएशन पैटर्न ऑफ डाइपोल एंटेना. ओके इन दिस प्रैक्टिकल रेडिएशन पैटर्न फॉर डाइपोल एंटेना. सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर दिस प्रैक्टिकल इज दिस इज आर एफ ऑसिलेटर which generates the frequency required for the transmitting signal. So general frequency generated is approximately equals to 87.5 megahertz something. So यहाँ पर मैंने ये frequency set किया है 7 megahertz. Okay. Now second is you will transmitter unit. Now transmitter unit में ये आपका transmitter unit है. So the power required frequency required for this is connected from this RF oscillator. Now the again we set the distance between the two unit, transmitter unit and the receiver unit. So receiver unit ke angle rotation hai and finally receiver unit is connected to the power meter which generates the power and it is measured by this power meter. So finally power meter ka jo reading hai wo hum log gain mein convert karenge. So this gain is required for plotting the रेडिएशन पैटर्न ऑफ डाइपोल एंटीना. ओके नाउ हम लोग अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन टेबल जो है, सो ऑब्जर्वेशन टेबल में एंगल ऑफ रोटेशन है और रिसीव्ड सिग्नल्स जानते हैं. सो एंगल ऑफ रोटेशन आपको यहाँ पे मिलेगा रिसीवर यूनिट से, यहाँ से हम लोग मिलेंगे एंड द पावर जो है वो ये पावर मीटर पर आएगा. ओके सो यहाँ पे फर्स्ट एंगल जो है वो दिया है 0 degree. सो यहाँ पर मैंने ये 0 degree सेट किया. ओके नाउ यू मेजर द पावर. सो पावर इज 5.8 समथिंग. ओके या 6.2 समथिंग 3 समथिंग. सो आवर रीडिंग इज 6.2 इज योअर पावर. सो दिस पावर इज कन्वर्टेड इनटू डीबी. सो डीबी में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला एज 20 लॉग ऑफ आपका पावर आया 6.8 तो आएगा आपका 16.65. सो आपका गेन आया 16.6 dB. ओके नाउ ये होगा आपका स्टेप वन. सेकंड स्टेप में एंगल जो है वो 30 degree है. सो आई रोटेट दिस एंगल टू 30 degree. अगेन आई मेजर द पावर. सो इट इज 5.9 समथिंग. सो यू पुट द वैल्यू फॉर 5.9 ईयर. सो 5.9 को डीबी में कन्वर्ट करना है. सो अगेन वी यूज द फॉर्मूला इज 20 लॉग ऑफ 5.9. सो इट इज इक्वल्स टू 15.41. सो दैट वी पुट द वैल्यू हियर 15.41 dB. सो इन दिस वे यू रोटेट द एंगल फ्रॉम 0 to 360 degree, calculate the power and convert it into decibel form and finally generate this radiation pattern. Thank you all of you.